मैं प्रिया आपके साथ। केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल से 14 नवंबर 2023 तक चलेगी। इन 7 महीनों में श्रद्धालुओं की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन केदारनाथ घाटी के लिए एक बड़ी चिंता भी है। कंपन पैदा करता हेलीकॉप्टरों का शोर। आपको बता दें कि 2023 में हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में गड़गड़ाएगा। यही है नया संकट, क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह पवित्र मंदिर ग्लेशियर को काटकर बनाया गया है, इसलिए शोर से घाटी के दरकने और हेलीकॉप्टरों के धुएं से कार्बन से पूरा इलाका खतरे की जद में है। हमने भगवान तक पहुंचने के इतने सरल व अवैज्ञानिक रास्ते बना दिए कि भगवान पर ही मुसीबत आ गई है। केदारनाथ के लिए 1997 और 98 तक एक हेलीपैड था, अब 9 बन गए हैं। ये देहरादून से फाटा तक फैले हैं और 9 कंपनियों के लिए उड़ान सुविधा देते हैं। 8 साल पहले तक केदारनाथ के लिए कुल 10 से 15 उड़ानें थी। अब केदारनाथ वैली में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हेलीकॉप्टर रोजाना 250 से ज़्यादा राउंड लगाते हैं। इनका शोर, इनके निकलने वाले कार्बन ने ग्लेशियर काटकर बनाए मंदिर और उसकी पूरी घाटी के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। केदारनाथ घाटी हिमालय के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में आती है। तेजी से बढ़ रही यात्रियों की संख्या पहले ही चिंतित करने वाली है। उस पर हेलीकॉप्टरों का यह शोर और इनकी बढ़ती संख्या किसी विकराल संकट का रूप न ले ले, यही डर है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।